चल स्टार्ट क्वेश्चन वर्ड। आज जो बात करेंगे वो हम क्वेश्चन वर्ड की बात करेंगे और आज सही मायने में हम क्वेश्चन करना सीखेंगे। अभी तक क्या है, हमने क्वेश्चन नहीं किया था, अभी तक हमने क्वेश्चन नहीं किया है और क्वेश्चन करना आज हम सीखेंगे। जाकर क्वेश्चन कैसे पूछे किसी से, लेकिन मायने में एक क्वेश्चन आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन करना आज सीखेंगे तो इससे पहले जो करते आ रहे थे वो सब क्या था, जो टाइमर से हम पूछते हैं। तो याद रखिएगा, जो टाइमर से आप पूछते हैं वो जो आपका होता है वो कंफर्मेशन होता है। याद रखिएगा, वो आपका क्वेश्चन नहीं होता, वो आपका कंफर्मेशन होता है। यानी जो आप अपना पूछते थे वो टाइमर से आप पूछते थे तो वो जो था आपका वो कंफर्मेशन था। कंफर्मेशन मतलब जिसका आंसर आप यस नो में कर सकते हैं, उसको कहते हैं कंफर्मेशन, कंफर्म करना। यानी टाइमर से जो आप पूछते हैं उसका आंसर आप कन्फर्म मतलब यस नो में आप दे सकते हैं। कैसे, कोई आपको पूछा कि भी डू यू स्पीक इंग्लिश, भी आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप कह दो भी यस या नो, तो इसका आंसर आप क्या है यस नो में कर सकते हैं। बट अगर होगा आपका क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड बोले तो शॉर्ट में QW, क्वेश्चन वर्ड यानी एक ऐसा वर्ड जो क्वेश्चन करता हो, जो सवाल करता हो, उसको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसका आंसर आप यस नो में नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते उसका। जैसे मान लीजिएगा कोई आपको पूछा कि भी आप कंफर्म किया कि भी आप इंग्लिश सीखते हो तो आप बता दोगे यस नो, इट्स ओके। लेकिन पूछा कि आप इंग्लिश क्यों सीखते हो तो वहाँ पर कह सकते हो यस यस यस, नो नो नो, कैन यू से, कांट से, नहीं कह सकते भी आप, यू कैन नॉट से। तो यानी टाइमर से जो अभी तक आपने किया था वो था आपका कन्फर्मेशन, जिसका आंसर आप यस नो में कर सकते थे। और अब जो आज आप सीखने जा रहे हो वो क्वेश्चन करना, अगर क्वेश्चन कैसे करें सामने वाले से जिसका आंसर हम यस नो में नहीं कर सकते। गॉट इट, यस गॉट इट, यस गॉट इट, यस गॉट इट, यस गॉट इट, क्या यस गॉट इट, यस गॉट इट, क्या यस गॉट इट। और याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे पास ना सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर होता है, वो मैं आज बताने आपको जा रहा हूँ। सिर्फ उसी को आपको याद रखना है, सारे जो क्वेश्चन आप पूछेंगे उसी से पूछेंगे। गॉट इट, यस गॉट इट, गॉट इट, यस गॉट इट, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बोलो जी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, क्या नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यानी सबसे पहले जब आप क्वेश्चन करने की बात करोगे याद रखना, पहले तो आपको कंफर्म ही करना है, सबसे पहले कंफर्मेशन आफ्टर दैट क्वेश्चन करना है। याद रखिएगा, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन ही करना है, पहले कंफर्म ही करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन करना है। व्हाई, क्यों? क्योंकि मान लीजिएगा कोई किसी से आपने मान लो डायरेक्टली पूछ लिया कि भाई व्हाई डू यू लर्न कंप्यूटर, और चाहे वो कंप्यूटर सीखता ही ना हो, आज जबरदस्ती उससे पूछे व्हाई डू यू लर्न कंप्यूटर, भी आपको कंप्यूटर क्यों सीखिए बताओ। तो इस तरीके से क्या करना है, सबसे पहले कंफर्म करना है, ये जानना है कि ये इस काम को करता है या नहीं करता है, उसके बाद आपको क्वेश्चन करना है। हो सकता है वो कंप्यूटर सीखता ही ना हो और आप उसे जबरदस्ती पूछे जाओ व्हाई डू यू लर्न कंप्यूटर, भी आप कंप्यूटर सीखते हो तो क्या हो जाएगा, वो ब्लंडर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गॉट इट, यस गॉट इट, यस गॉट इट, क्या यस गॉट इट, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, क्या नो प्रॉब्लम। तो जो उसके लिए स्ट्रक्चर होता है आपका क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद जो आता है वो आपका टाइम वर्ड आता है, यहाँ जो आएगा वो अभी आप बताएंगे थोड़ी देर में ही, इसके बाद जो आता है वो एक्शन आता है, और लास्ट में जो आता है आपका स्ट्रक्चर। इस तरीके से आपका जो है स्ट्रक्चर होता है, बीच में जो आपका बचा हुआ है वो आपका बचा हुआ है काम करने वाला। अब जब काम करने वाला बचा हुआ है तो भी उसके लिए हम क्या बोलेंगे, तो कोई नई बात नहीं है। जैसे आपका खेलना होता है प्ले, क्या होता है प्ले, प्ले, क्या होता है प्ले, बोलो तो प्ले, खेलने वाला प्लेयर, प्लेयर, क्या प्लेयर, क्या प्लेयर, प्लेयर, क्या प्लेयर। चलाना होता है आपका ड्राइव, क्या होता है ड्राइव, ड्राइव, क्या होता है ड्राइव, चलाने वाला ड्राइवर, ड्राइवर, क्या ड्राइवर, बोलो जी ड्राइवर, ड्राइवर, क्या ड्राइवर। पढ़ाना क्या होता है
टीच क्या होता है? टीच पढ़ाने वाला, टीचर टीचर क्या? टीचर टीचर क्या? टीचर यानी किसी भी एक्शन में आप ईआर लगा दे उसका मतलब बन जाता है वाला वाली वाला कौन बोला? कोई बोला हिंदी? कोई नहीं बोला। चलिए ऐसे आपका करना होता है डू। क्या होता है? डू। अब करने वाला क्या हो जाएगा? डूअर। तो यहाँ जो आएगा बीच में वो आपका डूअर आएगा, क्योंकि काम करने वाला ही बचा था तो उसके लिए हम बोलते हैं डूअर। क्या? डूअर। यानी किसी भी एक्शन में अगर हम लगा दे ईआर तो उसका जो मतलब बन जाता है जब निकल कर क्या आएगा हिंदी में, वो आएगा वाला वाले। क्या आएगा? ईआर वाला ईआर। आना होता है आपका कम। क्या? कम। तो आने वाला क्या हो जाएगा? कमर। कमर क्या हो जाएगा? अरे गाड़ी। यस गाड़ी। कौन सी बात है? कहते हैं भाई आज हमारे यहाँ न्यू कमर्स आए हैं, हैं भाई नए मेहमान आए हैं न्यू कमर्स। कॉडेट। यस गाड़ी। यस गाड़ी। यस गाड़ी। किसी भी एक्शन में ईआर लगा दे तो उसका मतलब वाला वाली हो जाएगा। वाला ईआर। जो आज हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसका नाम है वेयर। क्या है? वेयर। क्या है? वेयर। वेयर क्या है जी? वेयर। क्या? वेयर। वेयर क्या? वेयर। बोलो तो वेयर। और वेयर का जो मतलब होता है वो होता है कहाँ। क्या होता है? वेयर। क्या होता है? वेयर। कहाँ नहीं होता? वेयर। यानी वेयर का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है आपका कहाँ। क्या होता है? वेयर। कहाँ नहीं होता? वेयर। कहाँ नहीं होता? वेयर। कहाँ नहीं होता? वेयर। अच्छा चिल्ला रहा तो वेयर का मतलब वेयर होता है कहाँ नहीं होता, लेकिन इसका यूज करना हमको आना चाहिए। याद रखिएगा और याद रखिएगा किसी भी अरे बात नहीं नाराज याद रखिएगा किसी भी क्वेश्चन वर्ड के मीनिंग पे नहीं जाना है, मतलब पे नहीं जाना है। अगर मतलब पे जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तो जैसे वर्ड का मतलब होता है क्या, वर्ड का मतलब वर्ड। अब क्या तुम चाय पीते हो? आप क्या पूछते हो? अरे क्या पूछो? यू टेक टी। क्या पूछो? आप वर्ड क्यों नहीं लगाते यहाँ? जब वर्ड का मतलब क्या होता है तो आप यहाँ वर्ड क्यों नहीं लगाते? बिकॉज वॉट मीन्स वॉट। वॉट का मतलब वॉट होता है, क्या नहीं होता। Got it? Yes, got it. अगर क्या होता तो यहाँ भी हम वॉट लगाए होते। Got it? Yes, got it. Yes, got it. Yes, got it. किसी भी क्वेश्चन वर्ड के मीनिंग पे नहीं जाना है, उसके मतलब पे नहीं जाना है, सिर्फ यूज पे जाना है, उसके प्रयोग पे जाना है। Got it? Yes, got it. Yes, got it. Yes, got it. Yes, got it. Where का मतलब where होता है, कहाँ नहीं होता। Got it? Yes, got it. लेकिन इसका यूज करना हमको आना चाहिए। तो यूज मैं आपको बता देता हूँ, वेयर का जो हम यूज करते हैं वो किसी भी जगह का, किसी भी प्लेस का नेम मालूम करने के लिए, यानी किसी भी जगह का नाम निकालने के लिए हम वेयर का प्रयोग करते हैं। गॉट इट? यस गॉट इट। जैसे मान लीजिएगा कोई आपको पूछा कि डू यू लर्न इंग्लिश, कि भी आप इंग्लिश सीखते हैं, तो आप आंसर करोगे यस आई लर्न इंग्लिश। लेकिन क्या है, वो एक जगह है जहाँ आप इंग्लिश सीखते हैं, और उस जगह के बारे में, उस प्लेस के बारे में किसी को नेम मालूम करना है, वो किससे मालूम करेगा? किससे मालूम करेगा? वेयर। क्या? वेयर। बोलो जी। धन्यवाद। कोई आपको पूछे कि भी आप ब्रेकफास्ट करते हो या नहीं करते हो, आप कहो भी यस आई थिंक ब्रेकफास्ट करता हूँ। बट वो एक जगह है जहाँ आप ब्रेकफास्ट करते हैं, उस जगह के बारे में, उस प्लेस के बारे में किसी को मालूम करना है, वो किससे मालूम करेगा? किससे मालूम करेगा? किसी भी जगह का नाम आपको मालूम करना हो तो आप किससे बताएं? पूछेंगे किससे? पूछेंगे क्या? तो पूछो ये जाता है कि नहीं? बेटा जी।
गो ब्लेंसर बोलो ई गोस टू ब्लेंसर गोस टू ब्लेंसर धन्यवाद ई गोस टू ब्लेंसर गोस टू ब्लेंसर चाय पीता मैंने यू टेक टी क्या बोलेंगे यू टेक टी यस आई टेक टी बोलो जी आई टेक टी तो कहां पीते हो वेयर डू यू टेक टी वेयर डू यू टेक टी जी मैं कुछ नया आपसे नहीं मिलवा रहा हूं ये आपको पहले से ऑलरेडी आता है जैसे मान लीजिएगा किसी को कंफर्म करना हो कि आप चाय पीते हो नहीं पीते तो डू यू टेक टी आप पूछ लेते हो इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है इतना ऑलरेडी आपने सीख रखा है डू यू टेक टी आपको कंफर्म करना हो कि भी एक काम आप करते हो नहीं करते हो तो डू यू टेक टी आप पूछ लेते हो अब मैंने कहा अभी मैं पीता हूँ आई टेक टी अब आपको जगह का नाम आपको मालूम करना है वो जगह कौन सी जहाँ आप चाय पीते हो तो बस क्या करना है डू यू टेक टी से पहले वेयर आपको लगाना है एक वर्ड मात्र नहीं लगाना बाकी सब तो हुआ जो ऑलरेडी आपने सीख रखा है अब याद रखिएगा जब आपको अपना पिछला याद नहीं है तो फिर बात नहीं बनेगी क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड जो पुराना है वही सोना होता है इसलिए आपको डायमंड होता है तो क्या करना है जो आपने पीछे किया हुआ है जितना आप भी पढ़ा है अब तक वो अच्छे से कवर होना चाहिए तब जा करके यहाँ आप बैठ कर पाओगे गॉट इट यस गॉट इट यस गॉट इट और अगर किसी की खराबी रह गई है तो नया बैच 17 तारीख से चालू होगा उसको ज्वाइन कर लेना आग बंद करके 3 बजे से चालू होगा किसी को लगता है कि भाई थोड़ा सा मिस हो रहा है हमारा या थोड़ी सी हम पीछे मेहनत नहीं कर पाए कुछ भी कमी रही एक्स वाई जेड या किसी को लगा कि भाई हमारा कैचिंग पावर कम है हमको दूसरा करना है कर लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो आप अपना 3 बजे से कर सकते हैं लेकिन याद रखिएगा उसके लिए आप हमें 1 हफ्ते से पहले आप हमें बता दें कि मुझे करना है उसमें लिमिटेड सीट है कुछ को चुनिंदा को मौका मिलेगा सबको नहीं मिलेगा ये याद रखना है गॉट इट यस गॉट इट गॉट इट यस गॉट इट जय आवाज यस गॉट इट गॉट इट क्या यस गॉट इट बोलो कुछ यस गॉट इट पूछो मैं कहां पीता हूं वेयर डू यू टेक टी पूछो वेयर डू यू टेक टी वेयर डू यू टेक टी क्या वेयर डू यू टेक टी वेयर डू यू टेक टी बार-बार आई टेक एट होम आई टेक टी एट होम क्या आई टेक टी एट होम आई टेक टी एट होम I take tea at home. पूछो ये खेलता के नहीं Does he play? Does he play? क्या Does he play? Does he play? क्या Does he play? Does he play? क्या Does he play? खेलता है He plays. He plays. क्या He plays. He plays. क्या He plays. कहाँ खेलता है Where does he play? Where does he play? Play. बोलो Where does he play? Where does he play? Play. क्या Where does he play? हैं Where does he play? Where does he play? Where does he play? कहाँ बोलेंगे तो कहाँ क्या सब जगह बोलेंगे तो सब जगह के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो एवरीवेयर क्या एवरीवेयर क्या एवरीवेयर एवरीवेयर का मतलब सब जगह सब एवरीवेयर बोले लगाए रखो ऐसे हमें भी कल शंका लगी तो हमने डबल डोज मार दी एक खुराक के साथ एक साथ दो खुराक खा ली तो कुछ राहत है चलिए पर तू मत कर लेना है काम पता है दिक्कत होती है उसको दो खुराक खाएंगे ना डबल डोज खाएंगे तो परेशानी हो जाती है ना डबल डोज खाने पर पता है क्या है वो होता है ना मतलब गर्मी से बन जाना शरीर में वो हो गया था फिर एक कटोरा भी दिया दो कटोरा दूध पिया तो तब जाए कुछ राहत से मिलेगी हाँ चलो ठंडा है मामला चलिए तो यानी जब भी बात है जगह के नाम निकालने के लिए तो किसका इस्तेमाल करेंगे तो पूछो ये गया था कि नहीं गया था कि नहीं डिडी को क्या डिडी को गया था इवेंट क्या No problem. इस तरीके से हम वेयर का इस्तेमाल
इस्तेमाल कर देगा। यस गॉट इट, नो प्रॉब्लम, बोलेंगे आई विल स्पीक, बोलेंगे आई विल स्पीक। इसके बाद जो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड करने जा रहे हैं उसका नाम है व्हाट टाइम। क्या है व्हाट टाइम? क्या है जी व्हाट टाइम? व्हाट टाइम क्या? व्हाट टाइम? व्हाट टाइम क्या? व्हाट टाइम। अब इसके नेम से आपको पता चल रहा होगा कि इसका यूज कहां करेंगे। व्हाट टाइम यानी टाइम, टाइम के लिए वी यूज व्हाट टाइम फॉर टाइम। व्हाट टाइम का जो इस्तेमाल करते हैं वो हम टाइम निकालने के लिए करते हैं। किसी भी चीज का टाइम आपको मालूम करना हो तो आप किससे मालूम करेंगे? व्हाट टाइम। बोलो जी व्हाट टाइम। व्हाट टाइम कोई आपको मानेगा, कंफर्म करेगा भी आप यहाँ आते हो ड्यूटी कम हियर, आप तो गए हैं साइकिल भी आप यहाँ आते हैं, बट क्या है उसका एक टाइमिंग है ना आपका, जिस टाइम आप यहाँ आते हैं उस टाइम के बारे में किसी को मालूम करना है सवाल, तो किससे करेगा? व्हाट टाइम किससे पूछेगा? व्हाट टाइम। व्हाट टाइम किससे पूछेगा? व्हाट टाइम। कोई आपको पूछे कि भी डू यू टेक लंच, भी आप लंच करते तो बताओगे यस आई टेक लंच, बट क्या है उसका एक टाइम होगा जिस टाइम आप अपना लंच करते हो, अब उस टाइम के बारे में किसी को क्वेश्चन करना है किससे करेगा? व्हाट टाइम। व्हाट टाइम। व्हाट टाइम क्या? व्हाट टाइम। व्हाट टाइम क्या? व्हाट टाइम। यस गॉट इट, नो प्रॉब्लम, बोलेंगे आई विल स्पीक, बोलेंगे आई विल स्पीक। जो मैं लंच करता हूं करें डू टेक लंच, डू यू टेक लंच, डू यू टेक लंच, धन्यवाद। डू टेक लंच। Take lunch, क्या? You take lunch. You take lunch. Yes. I take lunch. I take lunch. बोलो जी. I take lunch. I take lunch. तो कहाँ करते हो? Where do you take lunch? Where do you take lunch? Take lunch. क्या? Where do you take lunch? Where do you take lunch? Take lunch. क्या? Where do you take lunch? यहीं पर. I take lunch here. बोलो जी. I take lunch here. I take lunch here. Here. क्या? I take lunch here. तो कितने बजे? What time do you take lunch? कितने बजे? What time do you take lunch? इस तरीके से जो है आप व्हाट टाइम का भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो फिर झूठ अब क्यों बोला आपने? बोला ना हिंदी? नो सर। अच्छा
ये झूठ बोल रहे हैं इसका मतलब है? अच्छा I don't know. मस्ती में बोल दिया होगा कि कोई नहीं देख रहा पीछे है, चल जाएगा. बट मैंने कह रखा है कोई नहीं बोले आपको बता देना है. दिस बैच इज रनिंग. I think they have mugged up. I don't know. Many students are there. तो याद रखिएगा, घर जाओ. किसी को भी चीटिंग नहीं करना है और कोशिश करवा रहे हैं हिंदी बोलने. बोल नहीं आ रहे आप, इंग्लिश बोलने के लिए आ रहे हो भाई आप. तो इंग्लिश बोलो, कोई बोलता है तो तुरंत अपने फ्रेंड को पकड़वा दो, जेल करा दो. इससे पता है क्या होगा, याद रखिएगा, आपका फ्रेंड को भले ही बुरा लगे बट आप उसकी मदद करना याद रखना. वो फिर इंग्लिश ही बोलेगा, हिंदी नहीं बोलेगा. और आप ने मान लीजिए वो इसने हिंदी बोला और आपने उसको बचा लिया, तो पता है क्या है, वो तुम्हारे साथ में फिर हिंदी बोलेगा तुमको और बेकार कर देगा, क्योंकि फिर संगत का असर पड़ता है. कंपनी डज इफेक्ट, ऐसे बोलते हैं संगत का सर. कंपनी डज इफेक्ट बोलो जी. कंपनी डज इफेक्ट क्या? कंपनी डज इफेक्ट. हमारी आवाज कंपनी डज इफेक्ट. कंपनी डज इफेक्ट. संगत का सर कंपनी डज इफेक्ट पड़ता है. कंपनी डज इफेक्ट क्या? कंपनी डज इफेक्ट. अगर ऐसे कोई भी सेंटेंस मिला करे तो उसको क्या करो, बॉक्स में बंद करके हाईलाइट करके रख लिया करो. बीच बीच में ये अपनी बात को जमाने के लिए, सजाने के लिए बोलने पड़ जाते हैं कि भाई उसके साथ मत रहे, वो बेकार लगती है. और तुम कहोगे नहीं भाई बेकार है तो क्या है, हम तो ठीक हैं, हम तो ठीक रहेंगे. उसको बता देना भाई क्या असर पड़ता है. अगर कोयले की खान में जाओगे तो हो सकता है पूरे काले ना हो, लेकिन थोड़ा तो धब्बा लगेगा ना. Yes. कोई ना कोई स्कार तो आएगा. Got it? Yes, sir. इस तरीके से वेयर और व्हाट टाइम का हम इस्तेमाल करते हैं. जो तीसरा क्वेश्चन वर्ड करने जा रहे हैं हम, उसका नाम है हाउ. क्या है हाउ? क्या है हाउ? हाउ का जो मतलब होता है, होता है आपका कैसे. क्या होता है हाउ? कैसे नहीं होता हाउ? अरे कैसे हाउ? कैसे हाउ? हाउ क्या आग्रह भाई? क्या आग्रह? क्या आग्रह? चले तो हाउ का मतलब बताया जाए. किसी भी कुछ वर्ड के मीनिंग नहीं जाना, उसके यूज पे जाना है तो बता देते हैं, कोई नई बात नहीं है. हाउ को यूज करना, हाउ का जो इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ का वे जानने के लिए, तरीका जानने के लिए. किसी भी चीज़ का आपको वे तरीका आपको जानना हो, आप किससे मालूम करेंगे? किससे मालूम करेंगे? बोलो जी. जैसे मान लिया कोई आपको कन्फर्म करे भी ड्यू का मियर भी आप यहाँ आते हैं तो ऑब्वियसली आप कहोगे यार साइड का मियर. बट क्या है वो तरीका है, जिस तरीके से आप यहाँ आते हो, पैदल आते हो, बाइसल से आते हो, बाइक से आते हो, बस से आते हो, हेलीकॉप्टर से आते हो. गाने अरे गाने थे. यस यस यस. अब आप कहोगे हेलीकॉप्टर से तो हम आते ही नहीं है. ऐसे एक हमारा जब जिस टाइम पे हमारा छोटू सीख रहा था तो छोटू से ऐसे पूछा उसके फ्रेंड ने, हाउ डू कम हियर, वो कह रहा है कम बाय हेलीकॉप्टर. अब वो कह रहा हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से आता है, कहाँ हेलीकॉप्टर दिखा हमको. वो अपनी बाइसाइकिल पे ले गया कि देख गिरा हेलीकॉप्टर. नहीं हेलीकॉप्टर बाइसाइकिल है. अबे तेरे लिए नहीं होगा, मेरे लिए मेरा हेलीकॉप्टर है. तो छोटा हमारा बहुत एक्टिव है. तो भाई सीधी सी बात है, ही नेवर कम्स हियर. अरे आएगा वो. आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ छोटू. आएगा वो, डोंट वरी, ही विल कम. तो हैं जीवित ना है. छोटू को मार दिया. अरे हमारा छोटू को तुम मार रहे हो, बताओ छोटू को. बहुत एक्टिव है छोटू हमारा. You never saw photo of him. फोटो भी नहीं है उसका भाई, जब वो आया था उस टाइम पे हमने उसका फोटो भी नहीं. You just make sir and nothing. Nothing is there. आज उस टाइम पे तो हमारे पास बड़ा फोन भी नहीं था. उस टाइम पे. Okay sir, you are what? मेरा मामा फोन था बस. Are you in contact with him? हैं? Are you in contact with him? Yeah. So sir. हाँ. He operates WhatsApp or not? क्या? WhatsApp भी लो.
उसके पापा चलाते हुए भी दिलाएगा व्हाट्सएप सर से टू हिम हां सेंड मी योर फोटो चलो ठीक है फोटो खिंचवा देंगे बहन ठीक है फोटो दिला देंगे बहन सर डोंट वरी इट विल कम टू ही विल नॉट सर राइट अरे सीधा फोटो क्या तुम्हें सीधा उसको मिला देंगे ना छोटे को हां आराम से मिलना उससे तो हाउ का मतलब हाउ होता है और इसका प्रयोग हम किसी भी चीज का भेद जानने के लिए गॉट इट यस गॉट इट यस गॉट इट द्वारा आते हैं तो बाय का इस्तेमाल करते हैं बाइसिकल से आता है तो ही कम्स बाय बाइसिकल क्या ही कम्स बाय बाइसिकल कम्स बाय बाइसिकल बाइसिकल क्या ही कम्स बाय बाइसिकल ही कम्स बाय बाइसिकल बाइक से आता है ही कम्स बाय बाइक कम्स बाय बाइक बोलो ही कम्स बाय बाइक ही कम्स बाय बाइक पैदल आता है ही कम्स ऑन फुट ही कम्स ऑन फुट यहां पर नहीं आएगा बाय फुट याद रखिएगा ही कम्स ऑन फुट और क्यों नहीं आएगा को भी जान लीजिएगा इसलिए नहीं आएगा बाय का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जिस चीज को इस्तेमाल करते हैं उसके बाद उसको एक स्थान पर छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं बट ऐसा हम क्या है अपने पैरों के साथ नहीं करते हैं ऐसे गए और अपने पैर को अलग रख के इसके बाद आगे बढ़ते तो इस केस में ऑन का इस्तेमाल करते हैं यानी उन पर चल करके जाते हैं अपने पैरों पर चल करके जाते हैं तो ही मतलब ही कम्स ऑन क्या ही कम्स ऑन फुट ही कम्स ऑन फुट ही कम्स ऑन फुट क्या ही कम्स ऑन फुट बच्चे खेलता है कि नहीं डजी प्ले खेल ले रहे हो डजी प्ले बोलो डजी प्ले डजी प्ले क्या डजी प्ले डजी प्ले दोनों ही एक से हो बिल्कुल कैसे मतलब चलो रहने दो तो क्या कुछ कुछ होता है तो
आई स्पीक सो सो क्या आई स्पीक सो सो सारा बोल लो आई स्पीक सो सो यस गॉट इट जैसे आई भी आप मत तो आई स्पीक सारा बोलो तो आई स्पीक सो सो यस गॉट इट नो प्रॉब्लम आगे बढ़ते हैं चले तो I have written. बोलो जी I have written. तो इस तरीके से हम क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज से आप अपना क्वेश्चन भी पूछना है, वेयर को इस्तेमाल करना है, व्हाट टाइम को इस्तेमाल करना है, हाउ को करना है। बट रिमेम्बर वन पॉइंट, मैंने आपको बताया था हमारे इंग्लिश स्पीकिंग में दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक एक्शन और दूसरे नो एक्शन। तो क्या करेंगे आज से ही ना, हम दोनों को साथ साथ लेकर के चलेंगे, उनको पीछे नहीं छोड़ना है, दोनों को साथ साथ लेकर के चलना है। क्योंकि दोनों को साथ साथ लेकर के चलेंगे तो ही हमारी बात बनेगी। जैसे साइकिल के दो पहिए होते हैं ना, और दोनों साथ साथ चलते हैं, ऐसे नहीं कि एक पहिया निकाल के रख दिया, चलो वही से बात बना लें, अब ले चलो, काम करेगा क्या नहीं करेगा। इसलिए दोनों को साथ साथ लेकर के चलेंगे आज ही से। तो इनका जो प्रयोग किया है अभी तक हमने वो किस में किया है, एक्शन में नो एक्शन में, एक्शन में किया है। तो इनका प्रयोग हम नो एक्शन में भी करते हैं, मान लीजिए वे आ रहे हैं, वेयर का प्रयोग अगर नो एक्शन की बात आए तो कैसे करेंगे, यू टेल कैसे कैसे करेंगे, वेयर का प्रयोग नो एक्शन में कैसे करेंगे बता दो जी। यस यू टेल कॉर्नर या बताओ पूछ भी रहा हूँ, मैं तो यार पूछ रहा हूँ भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे सिंपल है, where are you तुम कहाँ मदा, where is your mother, where is your sister, where is doctor, where is Native American, where is father, ठीक what are you can ask, where के बाद जो मन करे लगा दीजिएगा, got it, got it। आगे आपका व्हाट टाइम का इस्तेमाल करते नहीं है, हाउ का इस्तेमाल करते हैं। तो हाउ का इस्तेमाल कैसे करोगे, हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज योर लाइफ, हाउ इज योर मदर, हाउ इज योर वाइफ, सर इसको हिंदी क्या पापा इज पापा सर पापा सर यू विल नॉट टेक दैट नेम, पापा इज पापा, हेलो भाई पापा इज पापा, यस सर यस सर, पापा इज पापा भी होता है, चलिए डोंट राइट डोंट राइट तभी क्या बात है, नॉट वन यस बट सर आई सॉ मेनी टाइम्स योर फादर like that papa but sir I want to know something in hindi mummy is mummy sir ha I saw only papa but I didn't see any time mummy yeah acha fir kya dekha mama mom now mom. soft hai chale तो इस तरीके से आप पूछ लेंगे, कैन यू आस्क, आई कैन आस्क, कैन यू यूज, आई कैन यूज, कैन यूज,
आई कैन यूज काम करो तो कहां से लोगे जल्दी से बहुत जल्दी डोंट वेस्ट टाइम कहां से लेके सवाल जवाब बेटा लिखिए डिड यू कम yesterday did you come yesterday jawab hai na no I did not come jaldi se likhiyega no I did not come because I went somewhere के नीचे लिखना है Where did you go? कहाँ गए थे? लिखो Where did you go? कहाँ गए थे? तो जवाब में लिखना है I went to market. बाजार गया था I went to market. सिग्नेचर लिखना है व्हाट टाइम डिड यू गो कितने बजे गए थे जवाब लिखना है I went at 8 o'clock 8 बजे गया था सिग्नेचर लिखना है हाउ डिड यू गो कैसे गए थे जवाब लिखना है I went by bike बाइक से गया था I went by bike तो लाइन छोड़ के लिखना है ऐसा वजह सर देखिए आर यू हैप्पी जवाब में लगना है यस आई एम हैप्पी हाँ मैं खुश हूँ आगे लिखिए तो दिस इज कंडीशन आल्सो एंड आई एम आल्सो व्हाट वन हैप्पी या बट वी आर टॉकिंग अबाउट या अबाउट कंडीशन कंडीशन की बात कर रहे हैं हाँ तो क्या लिखा आई एम हैप्पी इसी में लिखना है How's your wealth now? W-E-A-L-T-H, wealth. How's your wealth now? अब तुम्हारा हाल कैसा है भाई How's your wealth now? Sorry. क्या लिखा वेल्थ लिखा है ना वेल्थ नहीं आएगा सॉरी हेल्थ हेल्थ हाउज योर हेल्थ वेल्थ तो धन हो जाएगा नो वेल्थ धन होता है वो तो मनी वो तो धन होता है हेल्थ है हाउज योर हेल्थ नाउ तो जवाब लिखना है इट्स कूल ठीक है इट्स कूल COOL कूल इसी के नीचे लिखेगा हाउ इज वेदर टुडे W-E-A-T-H-E-R How is weather today क्योंकि आज जो है मतलब हाउ इज वेदर टुडे मतलब मौसम कैसा है हाउ इज वेदर टुडे मौसम कैसा है तो लिखिए इट्स हॉट गर्मी है इट्स हॉट आगे लिखना है इट्स कोल्ड अगर ठंड पड़ रही है तो इट्स कोल्ड अगर ठंड पड़ रही है तो इट्स कोल्ड आगे लिखिएगा इट्स रेनिंग RAINING इट्स रेनिंग अगर बारिश पड़ रही है तो आगे लिखना है इट्स क्लाउडी CLOUDY क्लाउडी इट्स क्लाउडी अगर बादल छाए तो इट्स क्लाउडी आगे लिखना है इट्स ड्रिजलिंग
डी आर आई जेड जेड एल आई एन जी ड्रिजलिंग, इट्स ड्रिजलिंग। अगर थोड़ी थोड़ी बूंद पड़ रही है तो इट्स ड्रिजलिंग, थोड़ी थोड़ी बूंद पड़ रही है भाई, यानी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है तो इट्स ड्रिजलिंग। आगे लिखना है इट्स सनी, एस यू एन एन वाई सनी, इट्स सनी। अगर धूप निकल रही है तो इट्स सनी। आगे लिखना है इट्स स्कॉर्चिंग, इट्स स्कॉर्चिंग, एस सी एच ओ आर, क्या लिखा, एस सी एच मत करना, एस सी ओ आर, एस सी ओ आर सी एच आई एन जी, इट्स स्कॉर्चिंग। झुलस देने वाली गर्मी है भाई, इट्स स्कॉर्चिंग। आगे लिखेगा इट्स स्टोर, एस टी ओ आर एम स्टोर। अगर तूफान है तो इट्स स्टोर, एस टी ओ आर एम स्टोर, मतलब तूफान, तूफान है तो स्टोर। आगे लिखेगा इट्स स्नोफॉल, इट्स स्नोफॉल, एस एन ओ डब्ल्यू स्नोफॉल, एफ ए एल एल फॉल, इसका मतलब बर्फ पड़ रही है, इट्स स्नोफॉल। और आगे लिखेगा इट्स अर्थक्वेक, ई ए आर टी एस अर्थ क्वेक, क्यू यू ए के ई, सॉरी क्या लिखा, क्यू यू ए के टू यू ए के ई, हाँ क्विक, इट्स अर्थक्वेक। अगर भूकंप है तो इट्स अर्थक्वेक। ठीक है, क्या करना है आपको, घर पे जाकर के आप इनका क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करना है, पाठ मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता है तो अपने आप से करना है, बट प्रैक्टिस करना है बोलने की, क्योंकि डू स्पीक इंग्लिश, यस आई स्पीक इंग्लिश, वेयर डू स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक एवरीवेयर, डू यू टेक टी, यस आई टेक टी, वेयर डू टेक टी, आई टेक टी एट होम, व्हाट टाइम डू टेक टी, आई टेक टी एट 6 o'clock, यानी जो मर्जी आए माइंड में बोलना आपको, गॉट इट, यस ठीक है, सॉरी फॉर टुडे, मीट टुमारो, टेक केयर, नाइस स्पीकिंग।